अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग राजस्थान के दौरे पर आज रहने वाले हैं। 2 दिवसीय माउंट आबू के दौरे पर सीएम तमांग रहेंगे और अपने पूरे परिवार के साथ आज तमांग माउंट आबू आएंगे और इस दौरान ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, पीस पार्क का अवलोकन करेंगे तो सुप्रसिद्ध देलवाड़ा मंदिर का भी अवलोकन करेंगे। तो सिक्किम के सीएम राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और साथ ही आपको बता दें कि माउंट आबू में अपने परिवार के साथ कई जगहों का अवलोकन करेंगे। सिक्किम के सीएम राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं। 2 दिवसीय माउंट आबू के दौरे पर सीएम तमांग रहेंगे और अपने पूरे परिवार के साथ आज सिक्किम के मुख्यमंत्री माउंट आबू। पूरे परिवार के साथ सिक्किम के सीएम माउंट आबू आएंगे और इस दौरान 2 दिवसीय माउंट आबू के दौरे पर हैं सीएम तमांग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अपने पूरे परिवार के साथ आज मुख्यमंत्री तमांग माउंट आबू आएंगे तो इस दौरान ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, पीस पार्क का अवलोकन करेंगे। सिक्किम के सीएम का राजस्थान का दौरा है, 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर सिक्किम के मुख्यमंत्री तमांग रहने वाले हैं और साथ ही आपको बता दें कि अपने परिवार के साथ ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, पीस पार्क का अवलोकन करते नजर आएंगे और सुप्रसिद्ध देलवाड़ा मंदिर का भी अवलोकन सीएम तमांग की ओर से किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल एरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आज सिक्किम के मुख्यमंत्री माउंट आबू के दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ खास बातें रहने वाली हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं सुरक्षा लिहाज से अगर देखा जाए तो? जिस प्रकार से माउंट आबू में सिक्किम के गवर्नर आ रहे हैं और यहाँ का जो ब्रह्मा का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो ज्ञान सरोवर है वहाँ पे भी जाएंगे, माउंट आबू के पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे। जिस प्रकार से पीस पार्क है, दरवाड़ा जैन मंदिर है जो वर्ल्ड फेमस है और अन्य जो पर्यटन स्थल है उनका दौरा करेंगे, माउंट आबू के जो अन्य पर्यटन स्थल है उनका दौरा करेंगे और वो ज्ञान सरोवर के कार्यक्रम में भाग लेके कल 4 बजे जो कल जो यहाँ से माउंट आबू से 2 दिवसीय दौरा है और कल माउंट आबू से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। अनिल, सुरक्षा लिहाज से किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रशासन पूरा मुस्तैद है और पहली बार सिक्किम के गवर्नर, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार माउंट आबू आ रहे हैं और जिस प्रकार से लिया जाए मुख्यमंत्री का पूरी की पूरी व्यवस्थाएं की जाती है वो पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। अनिल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ये राजनीतिक सफर होने वाला है या फिर ये एक कैजुअल घूमने के लिए आ रहे हैं? नहीं, ये राजनीतिक नहीं, जिस प्रकार से क्या नाम माउंट आबू में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का जिस प्रकार से अनेकों कार्यक्रम होते हैं और राजनीतिक लोग माउंट आबू में आते रहते हैं तो उसी प्रकार का ये उनका एक अपना विजिट जो है उसी कार्यक्रमों को लेके है। साथ ही पर्यटन स्थलों का, माउंट आबू एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और यहाँ पे जिस प्रकार से धार्मिक स्थल है उन स्थलों पर उनका दौरा रहेगा। यानी कि सिक्किम के सीएम तमांग के आगमन के बाद कहीं ना कहीं जो पर्यटन है वो भी माउंट आबू में बढ़ता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका अनिल जानकारी के लिए।